एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी वहां गांव के कुछ लोग पहुंचे। गांव वालों ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भेंट स्वरूप कुछ सामान लेकर आए थे। किसी ने दूध लेकर आया था, किसी ने दही, किसी ने फल तो किसी ने भोजन। सभी ग्रामीणों के हाथ में कुछ ना कुछ सामान था। वे इस उम्मीद से आए थे कि भिक्षु संघ में कुछ भेंट कर देंगे, साथ ही भगवान बुद्ध से कुछ ज्ञान चर्चा भी कराएंगे। किंतु जैसे ही वे भगवान बुद्ध के निकट पहुंचकर प्रणाम करने वाले थे, तभी एक बेकाबू सांड दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। सांड ग्रामीणों में से एक को धक्का देते हुए निकल गया। उस धक्के और भय की वजह से लगभग सभी ग्रामीण जमीन पर गिर गए और उनके हाथों में जो भी सामान रखा हुआ था वह सब छलक गया, सब कुछ जमीन पर गिर गया। इस घटना से सभी स्तब्ध हो गए। वे भगवान बुद्ध से कहने लगे कि भगवान, हम आपके लिए भेंट स्वरूप कुछ सामान लेकर आए थे, किंतु धक्के की वजह से सब कुछ गिर गया। भगवान बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने ग्रामीणों से पूछा कि तुम क्या लेकर आए थे। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, भगवान मैं आपके लिए दूध लेकर आया था। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हाथ से क्या दूध ही गिरा? उसने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा कि भगवान, दूध लेकर आया था तो दूध ही गिरा है। इसी प्रकार सभी लोगों से भगवान बुद्ध ने यही पूछा कि क्या लेकर आए थे और हाथ से क्या गिरा। बुद्ध के इस व्यवहार से ग्रामीण हैरान थे। जब सब ने यह बता दिया कि हम जो भी लाए थे वही हमारे हाथ से गिरा, कुछ दूसरी चीज नहीं गिरी, तब भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, जिस प्रकार सांड के अप्रत्याशित धक्के से आपके पास में जो भी सामान था वह गिर गया, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जब हमें जीवन में इस प्रकार के अप्रत्याशित अचानक धक्के और ठोकरें मिलती हैं तो हम अपने मूल भाव के अनुसार ही प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध ज़्यादा होगा तो हम क्रोधी हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर लोभ ज़्यादा होगा तो हम लोभी बन जाएंगे। जब जिंदगी में हमें धक्के लगते हैं उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। हमारी जिंदगी का असली सच उस समय सामने आता है जब हमें धक्के लगते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि जब हमें धक्का लगता है, जब स्थितियां विपरीत होती हैं, हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं, तब हमारा व्यवहार कैसे होता है, हमारे अंदर से क्या छलक कर बाहर आता है। क्या हम धैर्य का परिचय देते हैं? क्या हम मौन का परिचय देते हैं? क्या हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं? क्या हम अपने स्वाभिमान को बचा पाते हैं? क्या हम निश्चिंत होते हैं? क्या हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं? क्या हम अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं? क्या हम क्रोध, कड़वाहट और पागलपन का व्यवहार करते हैं? क्या हम ईर्ष्या, द्वेष और घृणा में घिर जाते हैं? ये सब चीजें हमें संयमित तरीके से दिखानी होती हैं। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि जब भी जीवन में अचानक परेशानी से घिर जाओ, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में पाओ, तो कुछ पल के लिए रुकना और सोचना और संयमित तरीके से प्रतिक्रिया देना, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारी चरित्र की असली परीक्षा होती है। इस सत्य को हमेशा सामने रखना कि पात्र से छलकेगा वही जो उसके अंदर होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा व्यवहार भी यही दिखाता है। हम जैसा व्यवहार करेंगे लोग हमें वैसा ही समझेंगे, हम वैसा ही दिखेंगे, हमारा चरित्र वैसा ही बनेगा, हमारी छवि वैसे ही बनेगी। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संयमित तरीके से, व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत करना सीख जाएं।